गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के वही यूनिट और मेजरमेंट में ड्राफ्ट क्वांटिटी क्या होता है और ड्राफ्ट क्वांटिटी के कुछ खास यानी कि कुछ ड्राफ्ट क्वांटिटी जो होते हैं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सम इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट क्वांटिटी, कुछ महत्वपूर्ण ड्राफ्ट क्वांटिटी होते हैं उसके बारे में देखते हैं वो क्या क्या होना क्या। नेक्स्ट का जो चैप्टर होने वाला है यूनिट और मेजरमेंट, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी ड्राफ्ट क्वांटिटी के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो देखते हैं वो ड्राफ्ट क्वांटिटी क्या होते हैं। पहली बात ड्राफ्ट क्वांटिटी और वैसे ड्राफ्ट क्वांटिटी जो सम इम्पोर्टेंट टिप्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सीधे आपको ले चलते हैं, सबसे पहला होता है लाइट ईयर क्या होता है यानी वन ईयर में लाइट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर, प्रकाश दूरी। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वन ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। तो सम इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट क्वांटिटी में पहला क्वांटिटी है लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वन ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर, लाइट इन वन ईयर, वन ईयर के द्वारा जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। मतलब लाइट ईयर मतलब कितना लाइट ईयर, वन लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, मतलब समझ रहे हो ना, एक वर्षों में द डिस्टेंस ट्रैवल है लाइट इन वन ईयर, कितने ईयर, वन ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। लाइट द्वारा वन ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। तो चलते हैं वो भी कहां डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, बेकम में। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वन ईयर, इन वन ईयर इन ए वैक्यूम, इन ए वैक्यूम यानी एक वर्षों में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को आप क्या कहने वाले हो, प्रकाश वर्ष कहने वाले हो। और ये कितने होते हैं आप निकाल लो, एक वर्षों में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, चार स्पीड इनटू टाइम होता है। आप निकाल के देख लो स्पीड लाइट का है 3.010^8 मीटर पर सेकेंड है ना, और टाइम कितना, एक ईयर की बात है, बताओ एक वर्ष में कितने दिन, 365 रखते हो, 365 दिन। और फिर एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में कितना एक दिन में 24 घंटा कितना मिनट, फिर इसको सेकेंड में ट्रांसफर। अब सबको जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हो तो वो मिलने वाला है 9.4610^15 मीटर, 15 मीटर। ये हुआ ना, ये हुई ना डिस्टेंस यानी एक लाइट ईयर में जो दूरी ट्रैवल करता है इतना ही होता। तब आप इसे स्टार लगा के लिख दे, वन लाइट ईयर इक्वल टू, वन लाइट ईयर इक्वल टू 9.4610^15 मीटर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है तो बताओगे वन लाइट ईयर इक्वल टू क्या होने वाला है। तो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं लाइट के द्वारा वैक्यूम में, एक ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वही हमारा क्या है, लाइट ईयर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो लाइट ईयर देखो इतने के बराबर होता। कभी कभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी को मीन डिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है लाइट ईयर, पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखोगे वन लाइट ईयर क्या है। कभी कभी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसीलिए आप जरूरी याद रखोगे लाइट ईयर है क्या और कैसा होता। और दूसरा जानते हैं खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई क्या है? तो यानी इसको शॉर्ट में एयू कहते हैं, दूरी का मात्रक है, दूरी का एक मात्रक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सूर्य से पृथ्वी की बीच की जो मीन डिस्टेंस होता है, द मीन डिस्टेंस, द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी सूर्य से सन टू अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द मेन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको क्या कहते हो? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? जो मीन डिस्टेंस होता है सन से अर्थ के बीच का, वो हमारा कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये किसका मात्रक है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बिल्कुल याद रखोगे कि एस्ट्रोनॉमिकल किसका यूनिट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस का यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट किसका है बाबू? दूरी का, डिस्टेंस का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वेरी गुड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस का यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है बाबू? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस वन एयू, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्ट में डिनोट ये करने वाले हो, समझ रहे हो ना? और फिर क्या करते हो? 1.495 10 to the power 11 मीटर, ये 15 होता है, ये आपका लाइट ईयर है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जब ये बात होगी तो 11 होगा, 10 to the power 11 मीटर। किसी को कोई तकलीफ है, दिक्कत है समझने में, तो देख रहे हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी द मीजर, द मेन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। एक पास से एक यूनिट होती है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस मेजरमेंट दैट इज पारसेक। यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? पारसेक है। तो चलते हैं, पारसेक किसे कहते हैं? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज पारसेक। तीसरा यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पारसेक किसे कहते हैं? PARSEC, पारसेक। कोई बताओ पारसेक क्या होता है? What do you mean by पारसेक? किसे कहते हैं? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं, जो वन पैरलेक्स सेकेंड भी कहलाता, पैरलेक्स सेकेंड भी पारसेक को। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज पारसेक। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज पारसेक, इज नोन एज पारसेक। यानी आप देख रहे हो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है बाबू क्या है? पारसेक है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज पारसेक। पारसेक इज ऑल्सो नोन एज पैरलैक्स सेकेंड। पार्सेक का दूसरा नाम क्या है? पैरलेक्स सेकेंड होता है, पैरलेक्स सेकेंड होता है। पार्सेक इसी आल्सो नोन एज पैरलेक्स सेकेंड। तो सीधे ले चलते हैं, पैरलेक्स का दूसरा नाम क्या है? पार्सेक इज आल्सो नोन एज, पार्सेक इज आल्सो नोन एज पैरलेक्स सेकेंड। पार्सेक का दूसरा नाम क्या है? पैरलेक्स सेकेंड। PARLL होगा, AX होना चाहिए, पारलेक्स सेकेंड। ओहो, देख रहे हो कि पारसेक का ही दूसरा नाम है पैरलेक्स सेकेंड, पैरलेक्स सेकेंड।
और तब एक पार्सेक इक्वल टू कितना होने वाला है, 3.010 to the power 16 मीटर। वन पार्सेक इक्वल टू जो होने वाला है 3.010 to the power कितने मीटर के होने वाले हैं बाबू, 16 मीटर। ये होता है वन पार्सेक। हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी के हैं, यही सब यूनिट है। कुछ यूनिट हम याद करते हैं, उसको याद रखना जरूरी है। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड इससे नहीं होते हैं कि इसको सब चीज याद ही रखने वाला, लेकिन आपके लिए फिजिक्स के दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको हर जगह यूज होने वाला है, आप इसे जरूर याद रखोगे। एक चीज के लिए नहीं, हमेशा के लिए, सभी काम में ये इंपॉर्टेंस है। तो चल लेते हैं, देखते हैं कुछ टॉपिक में। हाथ का प्रतीक जो था सैम्बोल, आप जो सैम्बोल है, पावर है, कुछ पावर के नाम रखा जाता है, जिसको कहा जाता है सैम्बोल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। फिजिकल क्वांटिटी में कुछ पावर होते हैं 10 के मल्टीपल पावर, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो, जीगा, मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये तमाम फिजिकल क्वांटिटी का नाम आपको देख रहे हैं, आप जरूर लिखोगे। तो हम मिटाते हैं यहां, सीधे ले चलते हैं आपको वो क्या है उसको देखने वाले हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो वेरियस पावर ऑफ 10, यानी फिजिकल क्वांटिटी के जो भिन्न भिन्न पावर है उसके बारे में देखने वाले हैं। वेरियस पावर ऑफ 10, पावर 10 के कौन कौन पावर है उसके बारे में देखते हैं। वेरियस पावर ऑफ 10, 10 के घात के रूप में जो पावर होने वाला, जैसे कि जानते हो ना डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये सब जो पावर होता है सिंबल फॉर वेरियस पावर, भौतिक में बहुत बहुत राशि की 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन फिजिक्स भौतिक में, इन फिजिक्स वेरियस क्वांटिटी आर सो स्मॉल, इतने छोटे होते हैं, एंड सम आर सो लार्ज, इट एक्सप्रेस, इसे व्यक्त किए जाते हैं। इसको कैसे व्यक्त करने वाले हो बाबू, इट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 10 पावर, 10 के पावर के रूप में 10 पावर। ये वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का नाम जानते हैं हम। सबसे पहले पावर को जीरो से शुरू कर ले, यानी चलो लिखोगे 10 के घात पावर ऑफ 10। ये आपको इंटरमीडिएट में भी काम आने वाले हैं, सब जगह काम आएंगे। आप लिखोगे पावर ऑफ 10 यानी 10 के घात, इसका हिंदी यही होता है पावर ऑफ 10। अब फिर दूसरा नाम बाबू क्या होने वाला, पावर ऑफ 10 अगर पढ़ लिए तो दूसरा नाम क्या होगा, जो पावर ऑफ 10 के लिए दूसरा चीज बता, उसका कुछ ना कुछ इसी को कहा जाता है प्रफिक्स, उसके नाम को प्रफिक्स के नाम से जाना जाता है। जिनके पावर को हम क्या कहने वाले हो, प्रफिक्स कहते हो, उनके पावर को क्या कहने वाले हो, प्रफिक्स। और फिर उसके सिंबल को एक छोटे से सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं उसके पावर का नाम देखने के लिए कि वो पावर क्या है, उसका सिंबल क्या होने वाला, प्रफिक्स। पावर ऑफ 10, 10 के घात, प्रफिक्स, PREFIX, प्रफिक्स यानी नाम। और उसका फिर जो आने वाला है सिंबल, SYMBOL, सिंबल होता है SYMBOL, ठीक है, सिंबल मतलब प्रतीक होता है, यही होगा प्रफिक्स सिंबल। तो सबसे पहला एक पावर के लिए चलो 10 टू द पावर माइनस 1 इसका नाम होगा डीसी। इसका नाम बाबू क्या कहते हो, समझ रहे हो क्या कहते हो, डीसी। उसके बाद इसका प्रतीक होता है, यानी परफिक्स है 10 के पावर 1, इसके नाम अगर कहते हो तो इसको कह देते हो डीसी। और इसका सिंबल क्या होता है, डी, परफिक्स 10 टू द पावर 1 को डीसी।
10^2 है, इसका नाम होता सेंटी, सेंटी का क्या होता सी, डेसी सेंटी, 10^3 है, डेसी सेंटी मिली, इसका नाम क्या होने वाला है मिली, शॉर्ट में एम कहते हैं। 10^4 जो होगा उसका डेसी सेंटी मिली, फिर होगा 4 नहीं होता, तब 6 का मल्टीपल चलने, 3 का मल्टीपल चलने लगता है। मिली के बाद होने वाला जो पावर है माइक्रो, माइक्रो का म्यू से डिनोट किया जाता है माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10^9 को कहते हो नाइनो, क्या कहते हो नाइनो, एन से डिनोट करते हैं डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, 10^12 को पीको कहते हो, क्या कहते हो पीको, ये नहीं सारी सब में जो फॉल पीको होता वो नहीं है, पीको अलग है, पावर का पीको है, इसको पी से डिनोट करोगे पीको है तो क्या करोगे पी से डिनोट करते हो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एक्टो होता, क्या होता बाबा वो फेम्टो एक्टो, फेम्टो पे कितना पावर होता है 10^15 फेम्टो, इसको क्या कहते हो फेम्टो और शॉर्ट में कहलाता है एफ, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एक्टो, और जो 11 का होता है इसको एटो कहते हैं, एटो नाम ही से लग रहा है एटो मतलब 18, और इसको क्या कहने वाले हो एटो, समझ में आया डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, एटो को शॉर्ट में क्या क्या देते हो ए कहते हो, फेम्टो को है एटो को है, नाम याद हुआ, एक बार फिर से एन 10 के पावर में एक पावर है तो डेसी को होगे बी से डिनोट करोगे, 2 पावर है डेसी के बाद सेंटी, 3 पावर मिली, 6 माइक्रो, 9 नाइनो, 12 पीको, 15 फेम्टो, 18 एक्टो, और फिर सीधे पावर जो होता है उसको क्या कहते हैं डेका, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एक्टो, डेका एक्टो किलो जीगा मेगा टेरा पेटा एक्सा, इस माइनस को हटा दो फिर नाम बदल देते हैं, सभी माइनस को हटाने के बाद नाम बदल दो, नेगेटिव पावर हो गया, अब जो पॉजिटिव पावर है वो क्या होने वाला डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो जीगा मीगा टेरा पीटा एक्सा, डेका, डेका को डी से डिनोट करोगे दोनों डेका डी हो जाए, दोनों डेका एक डी हुआ तो एक डेका होगा डी, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, किलो को के हेक्टो को शॉर्ट में क्या कहते हो हेक्टो, हेक्टो को क्या कहने वाले एच, डेका हेक्टो किलो, किलो को क्या कहते हो केजी, डेका हेक्टो किलो, जीगा मीगा, डेका हेक्टो किलो, किलो के बाद क्या होता है मेगा, किलो मेगा जीगा मेगा, यानी इसके सीधा ये, 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 कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते तो ऐसे कर ना, डेका हेक्टो किलो मीगा जीगा टेरा पेटा, क्या कहोगे मीगा तो कौन मीगा, क्या होगा मीगा, मीगा एम ई जी ए मीगा, मीगा को किससे डिनोट करते हैं, कौन बताने वाले हो मीगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मीगा हो गया ना, डेका हेक्टो किलो मीगा, मीगा के बाद क्या होगा जीगा, मीगा के बाद क्या होगा जीगा, जीगा क्या होता है जीगा, जी आई जी ए जीगा, इसका नाम होगा जीगा, जी आई जी ए जीगा, इसको डिनोट करते हैं जी से, डेका हेक्टो किलो मीगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, बेटा आगे का नाम क्या होने वाला टेरा, जीगा के बाद क्या होने वाला है जीगा मेगा टेरा पेटा एक्सा, टेरा, टेरा को टी से डिनोट करते हैं तो वो होता टेरा, फिर क्या होगा पेटा, पी ए टी ए पेटा, पेटा को किससे डिनोट करोगे पी से ना, पेटा को पी से, और 11, 18 पावर है इसको लिख ना दो, पेटा के बाद क्या नाम होता है एक्सा, ई एक्स एक्सा, इसको डिनोट करते हो ही, अब एक बार देख लो 10 के प्रपेक्ष 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये पढ़े 10 और 8 वो यानी 16 है और भी 21 तक होता है डेसी सेंटी मिले, तो पहला क्या पढ़े डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एक्टो,
उसके बाद पर डेका, हेक्टो, किलो, मीगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और इनके बाद ये तमाम पावर्स फिजिकल क्वांटिटी के हैं, इनके यूज होने वाले हैं। तो हम कुछ पहले देख लेते हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन क्या होगा। जैसे कभी कहते हैं किलोमीटर है, यूनिट में लेंथ के यूनिट में कहीं कहीं यूज होता है, इतना इक्वल्स टू कितना, एक फीट बराबर कितना सेंटीमीटर हुआ, तो एक फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर जो होता है वो रिलेशन, वो देख लेते हैं, देख लेना। चलो देख लेते हैं, तो मिटाते हैं, देखते हैं सीधे वो क्या क्या होने वाला है और वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी के कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन फिजिकल क्वांटिटी में हम उनके रिलेशन को देखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस और लंबाई का रिलेशन देखते हैं, डिस्टेंस एंड लेंथ। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये क्लास ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम नाइन्थ के चैप्टर को पढ़ते हैं मोशन, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। तो बताओ एक किलोमीटर में कितना मीटर, सबसे पहले वहीं चलते हैं, एक किलोमीटर कितना मीटर होता है सभी को पता है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, एक फीट में 1 फुट इक्वल टू कितना होता है ये देखो, 3.4048 सेंटीमीटर, यानी 30.48 सेंटीमीटर होता है एक फुट में, और एक यार्ड बराबर कितना होता है 3 फुट होता है। एक यार्ड का रिलेशन के आपको फुट का पोल्डर या 3 तो फीट में लिख सकते हो, 3 फीट होता है। फिर अगर के एक फुट इक्वल टू, तो आप ऐसे कौन रिलेशन 30.48 इंटू, यानी कि एक यार्ड इक्वल टू क्या है कितना फीट, एक फुट में इतना सेंटीमीटर, एक यार्ड में कितना फीट होता है, एक यार्ड, यार्ड समझते हो गज जो होता है, 3.48 मल्टीप्लाई 3 करो देखो कितने आने वाले हैं, 4 4 12 2 14 4 80 1 30 90 91 इतना सेंटीमीटर होने वाला होगा। ये भी रिलेशन होते, और कुछ रिलेशन देखोगे जैसे कि एक लाइट ईयर में कितना होता था, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता, 1.852 किलोमीटर होता वन नॉटिकल मील। ये भी एक रिलेशन है, जनरली जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन आता है नॉटिकल मील का, तो देख लो क्या होता है नॉटिकल मील, यानी एक नॉटिकल मील इक्वल टू कितना होता है 1.852 किलोमीटर होता है। वन नॉटिकल मील इक्वल टू कितना होने वाला 1.852 किलोमीटर, ये आपका एक नॉटिकल मील है जो इतना होता है। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, नहीं है। एक लाइट ईयर में पहले पढ़ चुके हो कितना होता है 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर होता है कि नहीं होता। एक पारसेक में कितना होता है, एक लाइट ईयर से भी रिलेशन होता है वो लिख लो। वन पारसेक, अगर वन पारसेक की बात चले तो अगर के लाइट ईयर में तो कितना कहोगे 3.26 ly, मतलब लाइट ईयर एक पारसेक में 3.26 ly लाइट ईयर, मतलब लाइट ईयर होता है। ये रिलेशन लाइट ईयर का है किसके साथ, दूरी की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम होता है, बता चुके हैं आपको पारसेक होते हैं शायद सबसे बड़ी यूनिट। अब चलते हैं लेंथ का, अगर यूनिट पर है कुछ मास कर, ये सब फंडामेंटल यूनिट है जो लेंथ में जनरली यूज होता है। नॉटिकल मील एक पॉइंट इतना होता है, एक मील में कितना किलोमीटर होता है अगर वो भी जानना चाहते हो तो लिख लो, एक मील में होने वाला है 1.6 किलोमीटर होता है, और 5 1 मील में इतना है तो 5 मील बराबर 8 किलोमीटर हो जाएगा। ये कभी कभी 5 मील का टोटल रिलेशन होता है 8 किलोमीटर के साथ, यहां भी करो ना 1 5 5 16 5 80 एक मील में 5 किलोमीटर। यहां तक समझ गए हो, परेशानी नहीं है, देख लो केवल कुछ नहीं इसको याद रखना होगा, थोड़ा परेशानी तो होगा लेकिन आपको दुनिया के किसी भी फिजिक्स, कुछ बच्चे को बिहार पुलिस या गवर्नमेंट सर्विस के कुछ वो डिफेंस में अगर नौकरी होने लगता है, उसको कहता है आपकी हाइट है 5.5
65 और के समझ में नहीं आता, यानी कि एक 65 का देगा एंड लड़का समझता नहीं। एक 65 का मतलब हुआ 165 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, 165 को 30.48 से भाग दे दो, आपको पता चल जाएंगे आप कितने फीट के हो। आपको पता रहते हुए भी आप नहीं पता कर पाते हो ये सेंटीमीटर में हमको कितना बना रहा। कहेगा 170 होनी चाहिए आपको हाइट आर्मी में होने के लिए, आपको पता ही नहीं चलता कितना फीट होगा। तो 170 होंगे, 170 को जैसे आप भाग दोगे इनसे इनसे तो आपका सीधे निकलने वाला है 5 फीट 8 इंच के अप्रॉक्स होने वाले हैं, 6 फीट 5 फीट 6 इंच होगा, जो कि कंप्लीटली बोला जाएंगे। ठीक, यही रूल है, ये जरूर आप याद रखेंगे, ये आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल। ये तो लेंथ का यूनिट पर है, कुछ मास के भी यूनिट पर है, लेंथ मास टाइम, ये तीन तो फंडामेंटल यूनिट है, ड्रैग तो जितनी है ही, कम से कम फंडामेंटल को तो जरूर देखें। तो देखते हैं लेंथ के मास, लेंथ के बाद मास का यूनिट, किसके यूनिट बाबू देखने वाले हो, मास का। लेंथ पढ़ते हो तो मास का यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का मात्रा क्या होने वाला है और कैसे होने वाला। अगर आपको के 1 केजी और बिल्कुल हो गया 1000 ग्राम, 1 केजी को हो गए तो कितने ग्राम का दोगे, 1000 ग्राम, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ तो सभी लड़के जानते हो, ये बात सभी जानते हो ना जी, जानते हो ना, कह रहे हैं जी। लेकिन अगर आपको कह दे 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होने वाले हैं, तब क्या कहने वाले हो, 2.205 पाउंड। 1 केजी इक्वल टू 2.205 पाउंड होता है, यानी 1 पाउंड में कह दे तो 453 ग्राम के आसपास होने वाले हैं। 1 पाउंड में कितना, 453.52 ग्राम होता है। 1 पाउंड इक्वल टू 453.52 ग्राम अप्रोक्स, नहीं 100% यही होता है लगभग, 1 पाउंड है। कहेगा 3 पाउंड के पत्थर को फेंके तो बच्चा समझता 3 किलो को फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 पाउंड में इतना ग्राम होता है। तो इसी आधार पे जितने पाउंड के वो रिलेशन दे दोगे, बातें समझ में आ रही। ऑंस के साथ अगर रिलेशन हो, 1 ऑंस बराबर 28.35 ग्राम होता, क्या कह रहे समझ रहे, 1 ऑंस, ऑंस हाँ ऑंस, 1 ounce, 1 ounce इक्वल टू कितना होने वाले बताओ, 1 ounce में कितने होने वाले हैं। तो आप कहोगे सर ये लिखिए ना 28.35 ग्राम लिखना दो, 1 ounce है तो इतने ग्राम होंगे, होंगे या नहीं होंगे, यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आ रहे हैं। फिर एक चीज लिखने वाले हो, 1 क्विंटल में कितना केजी होता, यहाँ तो बिल्कुल सबको सेपरेट पता है, 1 क्विंटल की बात तो 100 केजी होगा। 1 क्विंटल QUINTL क्विंटल मतलब 100 केजी, क्योंकि ये सब यूनिट आप लोग जनरली यूज करते हो, आपके आपके भौतिक राशि के यूज जो होते हैं जीवन लाइफ में हमेशा होता रहता है, इसीलिए ये तमाम यूनिट को आप बिल्कुल जाने ज्यादा बेहतर है। 1 पाउंड का रिलेशन औंस के साथ करें तो 1 पाउंड में कितना औंस हो जाएगा, 1 पाउंड है चूंकि 1 औंस में इतना ग्राम होता है तो कम से कम 16 औंस, इतना अच्छा के 48 औंस होने वाला, 1 पाउंड में 16 औंस होने वाला। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई तकलीफ तो बोलोगे कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम बिल्कुल बताएंगे। और नेक्स्ट क्या बताओ, 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन में कितने केजी होने वाले हैं, ये भी बात आप अपने दिमाग में जरूर याद रखोगे। 1 टन है तो कितने केजी होगा, कहोगे ना 1000 केजी होगा। 1 टन है तो आपका 2100 केजी, शायद द्रव्यमान से रिलेटेड एक गांव सब में जैसे यूज होता है, 1 मन में कितना किलो, 40 किलो, ये भी आप याद रख ले, 1 मन इक्वल टू 40 केजी। गांव में गेहूं सब लेके बच्चे जाते हैं तो मन में ही यूज होता है, फिजिक्स पढ़ने के बाद भी उसके समझ में नहीं आता मन क्या है, तो आप जरूर याद रख लेंगे मन क्या है, इसे आप बिल्कुल याद रखोगे, किन्हीं को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं ना। एक बार देख लो, 1 केजी था 1000 ग्राम, 1 केजी था 2.205 पाउंड्स, 1 पाउंड में इतना ग्राम, 1 पाउंड में कितने ग्राम हो रहे हैं वो देख रहे हो ना, 1 पाउंड जो है कितना ग्राम हो रहा है,
ये आपको समझ में आता होगा कि एक पाउंड है, एलवी भी ये पाउंड होता है। पाउंड जो है लेंथ और ब्रेथ की स्थिति में होती है। इतना ग्राम एक औंस है, ये 1 औंस है, इसमें हमें इतना ग्राम होता। फिर एक क्विंटल में कितना होता, 100 केजी होता। एक पाउंड में 16 औंस होता है, एक टन में 1000 केजी और एक मन में 40 केजी। अब यूनिट ऑफ मास का देख लिए, लेंथ का देख लिए, तो सबसे अंतिम लेंथ यूनिट और एक टाइम का जनरली यूज हमारे भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्यों ना देख लें टाइम का यूनिट क्या क्या होने वाला है। यूनिट ऑफ टाइम तो बताओ 1 मिनट में कितने सेकेंड, यहां से ही शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, बच्चों एक चीज देख लो, यूनिट टाइम में क्या होने वाला है। 1 मिनट है तो कितने सेकेंड हो गए, 1 मिनट है कितना सेकेंड होगा, कौन बताओ 1 मिनट है कितना सेकेंड होने वाला है। 60, हाँ तो लिखो 1 मिनट से है तो आप कहते हो 60 सेकेंड होगा, 16 सेकेंड्स। 1 मिनट में आपको समझ में आ रहा 60 सेकेंड होने वाला, कोई दिक्कत नहीं। और को आपको एक घंटा में तब कितने मिनट हो जाएंगे, जब 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 1 घंटा में कितने मिनट, 1 आवर। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, ये भी पता है, यहां तक पता ही है रिलेशन। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 दिन में 24 घंटे, 1 day = 24 hours। और जो रिलेशन उसमें से ट्रांसफर कर रहा होगा इसी से गुणा करके करो, 1 वीक में कितना डेज। वीक की बात चल रही, सप्ताह, सप्ताह समझते हो, वीक जहां WWE की वीक, वीक मतलब सप्ताह, 1 वीक में 7 डेज होने वाला। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटे, 7 दिन। और एक लूनर मंथ की बात हो, 4 सप्ताह का होता है लूनर मंथ, मतलब 28 दिन का होता है। एक लूनर मंथ की बात हो, एक चंद्र मंथ, एक लूनर मंथ कहने का मतलब होगा कितना, और एक लूनर मंथ इक्वल टू कितना बताओ, बताएं कौन। 4 वीक, और वीक का रिलेशन तो जानते हो, 28 डेज। ये हुआ लूनर मंथ। लूनर मंथ चंद्र ग्रहण का दिन के लिए लूनर मंथ का लोग यूज करते हैं कि 1 चंद्रमास में इतने दिन है। सोलर मंथ की बात करें तो 30 या 31। ये हुआ चंद्रमास, चंद्रमास देहाती भाषा में गौसा में चंद्रमास कहते हैं। और लूनर मंथ के बाद दूसरा मंथ जो होने वाला सोलर मंथ। 1 सोलर मंथ में कितना होगा ये आप जरूर जानो, 1 सोलर मंथ इक्वल टू कितना, 30 या 31 दिन का होता है सोलर, और लूनर होता 28 दिन का, 30 या 31। कुछ बच्चे को ये भी याद नहीं है कि किस महीना में कितने दिन, कैसे याद रखोगे, 30 दिन का मास सितंबर, जैसे अप्रैल जून नवंबर, 30 दिन का मास सितंबर वैसे अप्रैल जून नवंबर, बाकी सब को 31 जानो। 28 दिन का होता फरवरी, लीप ईयर जब आता है फरवरी में 1 बढ़ाया जाता है, ये याद करने का एक आसान ट्रिक है, आप याद रख लोगे। और जब 16 मंथ होगा तब कितना होगा, 30 या 31 का, केवल फरवरी जो 28 या 29 का होता है, 30 31, ओनली फरवरी, फरवरी जो होता 28 और 29 का होने वाला। कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, नहीं है, आप याद रखोगे बिना कोई परेशानी का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और एक ईयर में कितना दिन, एक ईयर में 12 महीना 365 दिन, ये भी पता ही है, एक ईयर में 365 डेज होने वाला है। जब लीप ईयर आता है 1 लीप ईयर में 366 दिन, 1 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर 366, लीप ईयर मतलब 366 डेज। लगभग टाइम से जो रिलेशन की बातें थी यही सब यूनिट ऑफ टाइम के क्वांटिटी, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं पड़ा। एक होता है जो वॉल्यूम का और कुछ एरिया का, ये दोनों क्वांटिटी जरूर पढ़ लो, एरिया और वॉल्यूम। कभी खेत भी मेजरमेंट करना हो, एरिया का जरूरी पड़ जाता है। डेसिमल में कहता है कि मेरे खेत इतना डेसिमल है,
आप देख लो एक मिनट के लिए एरिया का रिलेशन कैसे होगा। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। आपका खेत अगर घर में कोई कह दे कि कितने डिसिमल के है, इतना कट्टा है, कैसे निकालोगे, सिंपल एकदम एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहे हैं। आप देखोगे ध्यान से बेटे, समझ में आ जाएगा। अगर आपका खेत 60 फीट 60 करी ऐसे है, वो करी वाला जो होता है जैसे गारंटी जरीब से नापा जाता, अगर 100 ऐसे मान लेते हैं, करी वर्करी है 100 ऐसे वर्करी है, ये करी में आपका दे रखा है चेन में, गारंटी चेन में आता है। अगर इधर से 60 है, इधर से 60 है, ये चेन में, अगर इस पूरे एरिया को क्या निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता, या कम ज्यादा रहता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग। एक सिंपल हम एग्जांपल दे रहे हैं, 6000 वर्करी हुआ, 6000 वर्करी को 1 से भाग दे दो, 100 से भाग दे दोगे, 6 डेसिमल जमीन हुआ, कितना डेसिमल हुआ, 6 डेसिमल। 1 डेसिमल में 4.5 होते हैं, तो 1 डेसिमल बराबर 4.5, तो 6 डेसिमल बराबर 6 × 7.5, 27 धूर जमीन होगा। और 27 धूर मतलब हो गया 1 कट्टा, कट्टा 7 धूर, ये जमीन होगा। कैसे निकाल ले एरिया, देख रहे हो, ये काम अगर आपको कह दे तो आप इसके लिए कुछ यूनिट जानोगे तब कर लोगे। 1 एकड़ बराबर कह दे कितना होता है, 1 एकड़ में कितना होता है, तो वर्ग गज में के तो 4840 वर्ग स्क्वायर यार्ड होता है। 1 एकड़ इक्वल टू क्या होता है, देख लो, 1 एकड़, एकड़ समझते हो, एकड़, एकड़ समझ में आता है, एकड़, एकड़, 1 एकड़ इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड होता, क्या होता है वो, स्क्वायर यार्ड। 1 एकड़ जमीन है तो 4840 स्क्वायर यार्ड जमीन होने वाला। अगर वर्ग फुट में के तो 43560 स्क्वायर फुट हो जाएगा। 1 एकड़ में 4860 कितना होने वाले हैं, 43560 स्क्वायर फुट होने वाला है। फिर अगर यही कह दे ये यार्ड में था, ये फुट में ना, फुट में क्या, मीटर में क्या दे, तब कितना होगा, 4046.94 स्क्वायर मीटर होता। 1 एकड़ में बाबू कितने होने वाले हैं, 4096 होता है कि 4046.94 क्या होगा, स्क्वायर मीटर होने वाला, स्क्वायर मीटर होगा। ये रिलेशन एकड़ के साथ, कभी कभी आप गौ सब में सुने होंगे, याद रखे हो, हेक्टेयर कभी कभी पूछा जाता है, सर हेक्टेयर क्या है, क्या होता है, हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, यानी आधा हेक्टेयर का एक हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है, आप बिल्कुल दिमाग से देखोगे, 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होने वाला है, 1.5 एकड़ के आसपास होता है जमीन, यानी 20 × 40 = 50 कट्टा होगा, 1 हेक्टेयर जमीन है तो। और 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर होता है, 100 हेक्टेयर होता है जमीन, कितना होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 100 हेक्टेयर, समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। और एक उसी को कितना किलोमीटर होगा, 100 हेक्टेयर होता है, 1 स्क्वायर मील में कितना होता है, 2.6, 1 स्क्वायर मील में कितना होता है, ये भी देख लो, 1 स्क्वायर मील में कितना होता, कौन बताओगे 1 स्क्वायर मील में कितना होता, बताओ, बताओ कितना होता 1 स्क्वायर मील में, तो आपको 2.6 स्क्वायर किलोमीटर होता, 2.6 स्क्वायर किलोमीटर होता, किलोमीटर। और दूसरा रिलेशन, हाँ दूसरा भी होता, वो भी लिख देते हैं, दूसरा रिलेशन देखो क्या होने वाला है,
वो अभी रिलेशन हम देख रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर दूसरा रिलेशन क्या स्क्वायर मीटर का नहीं होगा, और होता है देखते हैं 256 हेक्टेयर का सबके स्क्वायर मील है, 1 स्क्वायर मील है, इसको कहोगे 256, 256 क्या होने वाला हेक्टेयर, हेक्टेयर। और तीसरा रिलेशन, हाँ हाँ एक और भी रिलेशन होता है, तीसरा रिलेशन भी जानने वाले हो तो देख लो ना, 60 एकड़ होता है, एक स्क्वायर मील है तो 60 एकड़ भी होता है, एकड़ भी होता, समझ रहे हो? ये तमाम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हम मेजरमेंट को देखे हैं। कुछ वॉल्यूम के लिए एक लीटर हमें कितना होता है, दो चीज तीन चीज वॉल्यूम देख लो, पांच चीज लेंथ मास टाइम टेम्परेचर का तो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री से रिलेशन वहां पे, यहाँ पे केवल लेंथ मास टाइम देखे एरिया देख लिए, तो एक चीज कभी कभी वॉल्यूम का भी जीवन में बहुत बड़ा काम होता है। एक लीटर पढ़ने वाले और एक गैलन पढ़ते हैं, दो ही चीज वॉल्यूम में जो ज्यादा यूजफुल होता है। वॉल्यूम का यूनिट में देखियो लीटर, एक लीटर में कितना होता और बताओ, सब जानते हो एक लीटर की बात करें तो 1000 cc होता, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 cc कहते हैं, घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर इसी को कहते हैं एक लीटर। आप समझ रहे हो एक लीटर में क्या हो रहा, लीटर समझे, एक लीटर में एक गैलन में कितना लीटर होता, अगर गैलन की बात करें ऐसे कर देता है गैलन तेल लेके आ, लेकिन अगर कोई फिजिक्स के वाले की ये गैलन होता क्या है तो एक गैलन बराबर कितना होने वाला है, क्या होगा एक गैलन, एक गैलन बराबर होता 3.75 लीटर, एक गैलन में इतना लीटर, और एक लीटर में जब इतना सीसी हो जाएगा तो एक लीटर में 0.2642 गैलन होगा। क्या कह रहे हैं, समझ रहे, एक लीटर में कितना गैलन, एक लीटर में इसको 0.0 में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटी यूनिट है, 2.42642 एक लीटर में इतना गैलन। तो आज हम पढ़ ली तमाम फिजिकल क्वांटिटी को, अगले पार में हम लोग क्लास में पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट FPL, CGS, MKS और SI, उसके बाद क्वांटिटी पढ़ेंगे फैक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट चैप्टर, ठीक। आज भर के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत हो गया, चलो आज इतना ही रहते हैं।